कल का दिन अपने लिए इतना ज़्यादा पनौती था और इतना ज़्यादा बैड डे था जितना कि अभी शाहरुख खान का भी टाइम ख़राब नहीं चल रहा है यार। शाहरुख खान तो एक टाइम के लिए मैनेज कर लेगा किसी तरीके से, पैसे वैसे बहुत है उनके पास, बट अपने जैसे फ़कीर बंदे का दिन इतना ख़राब हो जाए तो क्या ही बयान करूँ यार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो साला मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, मैं लगा दूंगा, और दो दिन से इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था, 13K+ व्यू चला गया था और ऑलमोस्ट 165 आवर वॉच टाइम हो गया था यार, फिर भी वो डिलीट हो गया। बहुत ही ज़्यादा अंदर से फीलिंग बैड है, फीलिंग बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है, बट अपन गिव अप करने वाले हैं नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक अपने एम तक पहुँचेंगे नहीं तब तक गिव अप करेंगे नहीं। तो चलिए बस हाँ, कल को तो सबसे इम्पोर्टेंट बात भूल ही गया, बस एक ही चीज़ अपने लिए अच्छा हुआ, बट मैं मैच नहीं देखा था, धोनी भैया की टीम जीत गई और के आर जीतते जीतते हार गई। इस बात का अपने को बुरा लगा है, जैसे अपने साथ हो रहा है ठीक उसी प्रकार से शाहरुख खान के साथ भी होता है, साला हारते हारते जीत गया, हारते हारते फाइनल में पहुंच गया, फाइनल में पहुंच के जीतते जीतते हार गया, सेम टू सेम हो रहा है फीलिंग। अपन समझ रहे हो, अपन भक्त नहीं है, बट फिर भी अपन का इमोशन और शाहरुख खान का इमोशन अभी सेम है, कंपेयर अपन नहीं कर रहे हैं, बट है तो क्या बताओ, मेरा शाहरुख खान से ज़्यादा बैड डे चल रहा है, बहुत ही बुरा चल रहा है। मैं सोचा कि आपके सामने ये रख दूं ताकि आप ही है सब कुछ हमारे लिए, हमारे दर्शक हो, हमारे फैमिली मेम्बर हो, जो भी है सब कुछ आप ही लोग। चलिए धन्यवाद, टेक केयर, लव यू गाइज, ऑल दिस पीपल।